लोग अभी खाना बना रहे हैं। तो कल मैंने अंताक्षरी खेली थी मम्मी के साथ आज, और मेरी मम्मी ने बहुत बड़ा पोपट कर दिया था मेरा अंताक्षरी में। तो आज हम बना रहे हैं खाना। ये तो एक बात है कि ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तब मैं बहुत अच्छी नहीं बट अच्छी थोड़ी बहुत कुक बन जाऊंगी। तो मम्मी को पूछती हूँ मैं खाना कैसे बनाती हूँ। मम्मी मैं खाना कैसे बनाती हूँ? बहुत अच्छा बनाती हो बिना तेल का। मैं ऑयल बहुत कम डालती हूँ और मेरी मम्मी उतना ही ऑयल डालती है उसमें। अभी ये है कांदा जो फ्राई हो रहा है, इसमें रेड रेड चटनी डाली हुई है हमने। ये है भाकरी, बाजरे की भाकरी मिक्स। तो अभी तो फिलहाल मम्मी को पूछ पूछ के हम खाना बना रहे हैं, क्या डालूं क्या डालूं क्या डालूं कितना डालूं। बट जब मेरी शादी होगी ना तब बिना पूछे बनाऊंगी। नहीं नहीं पूछूंगी कॉल करके, नहीं एक्चुअली कॉल नहीं करूंगी, घर जमा ही लाना है तो फिर कॉल क्यों करूंगी। ओके सो हम अभी बनाने जा रहे हैं सोयाबीन। हाँ तो अभी हम सोयाबीन बनाने जा रहे हैं और बस कांदा फ्राई हो जाए। सो शाम को तो अंताक्षरी का प्लान है और मैं डेली अब अंताक्षरी खेलने वाली हूँ चाय पीते पीते। ओके टमाटर डालने का टाइम आ गया है। मुझे एक्चुअली टमाटर हाँ दिख रहा है, मुझे एक्चुअली आज बहुत कम ऑयली और सादा खाना खाना था, नो ग्रेवी वगैरह कुछ नहीं, तो बस वैसा ही खाना बन रहा है। कम ऑयल ना, मैं बहुत कम ऑयल डालती हूँ खाने में बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। जला हुआ खाना भी खाना पड़े तो चलेगा लेकिन कम खाने का ऑयल। देखो मिर्ची, ये मेरी माँ इतनी मिर्ची खाती है और बेटी भी नहीं छोड़ती है मिर्ची बिकॉज हम लोग आधे महाराष्ट्र में तीखा खाना पसंद करते। बाय लव यू मुआ।